क्या Acer Nitro 5 Asus TUF FX505DT से बेटर है? मैं इसके आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, इन दोनों में आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। हाय एवरीवन, दिस इज भव्य आनंद फ्रॉम फोन एनालिसिस, और मैं वेलकम करता हूँ आपको एक नई वीडियो में, जिसमें हम वो यार Asus TUF FX505DT को हम Acer Nitro 5 से कंपेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बढ़ूंगा Acer Nitro 5 के स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो इसमें आपको 15.6 इंच की 1080p की डिस्प्ले मिलेगी, जिसकी एक 120 हर्ट्ज का पैनल है, बहुत ही सुंदर पैनल है मेरे हिसाब से। Ryzen 5 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक थर्ड जन प्रोसेसर है। NVIDIA का 1650 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा आपको इसमें। यार 55 वॉट आर की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि एक 4 सेल बैटरी है। एवरेज बैटरी बैकअप आपको जरूर देगी ये, NVIDIA का 1650 जैसे ग्राफिक कार्ड है, बहुत बढ़िया ग्राफिक कार्ड है मेरे हिसाब से। इसमें आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है। पूरा कंस्ट्रक्टेड ये लैपटॉप प्लास्टिक में है, जो कि यार मतलब स्टर्डी लुक देगा आपको, और आपको यार गेमिंग लुक भी देगा ये बहुत बढ़िया तरीके से। बस इसमें यार RGB कीबोर्ड आपको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ एक वन लाइट कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है, जो कि एक सिर्फ रेड लाइट इसमें जलेगी। तो यार आपको डिस्को वाली फीलिंग चाहिएगी तो इसमें नहीं आ सकती ये लाइटों की, सिर्फ रेड लाइट जलेगी, पहले आपको बता दूं क्लियर। इसमें वही प्लास्टिक में कंस्ट्रक्टेड है पूरा, जरा सा भी इसमें मेटल यूज़ नहीं है, जो भी लोग सोच रहे हैं उनको बता दूं। इसका मतलब अलग अलग वेरियंट्स मिलते हैं इसमें यार, 60 हर्ट्ज़ का भी पैनल वेरियंट है इसमें यार, i5 वाला भी वेरियंट है, Ryzen 5 वाला वेरियंट भी है, 120 हर्ट्ज़ वाला वेरियंट भी है। पर अभी हम 120 हर्ट्ज़ का यहाँ पे इसको स्टफ पड़ा है मेरे पास, तो 120 हर्ट्ज़ वाले कंपेयर करेंगे। तो यार जो 120 हर्ट्ज वाला पैनल है और Ryzen 5 वाला या i5 वाला, वो 60 के अराउंड आता है, 58-60 के अराउंड, कभी वो 56 का भी मिलता है, तो आप सेल्स के लिए वेट कर सकते हैं। तो यार अब हम बढ़ेंगे Asus TUF FX505DT की तरफ, जो यार बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहा है पर बोल नहीं पाता ना, कि यार मेरे भी स्पेसिफिकेशन बता दो। चल भाई अब तेरी बारी। इसमें आपको एक 15.6 इंच का सेम आपको 1080p की डिस्प्ले मिलेगी, जो कि एक 120 हर्ट्ज का पैनल है, बहुत ही सुंदर पैनल है मेरे हिसाब से। इसमें आपको RGB कीबोर्ड देखने को मिलेगा, तो यार आपको डिस्को वेलिंग फीलिंग चाहिए, थोड़ा नाचना गाना है तो आप इसके साथ जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपको मिलिट्री ग्रेड भी मिलेगा, टफनेस सर्टिफाइड, या थोड़ी सी फीट से अगर लैपटॉप गिर भी देगी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसकी भी पूरी प्लास्टिक कंस्ट्रक्टेड बॉडी है, जो कि यार अच्छी लगती है मेरे हिसाब से, बहुत ही तगड़ी गेमिंग लुक देती है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें आपको 48 वॉट आर की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 3 सेल बैटरी है, बहुत ही एवरेज बैटरी बैकअप, मेरे तो बिलो एवरेज ही है, क्योंकि यार बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप में आप तो यार पोर्टेबिलिटी के लिए तो होता ही नहीं है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब यूज़ कर लो, ठीक है। इसमें होता ही है कि आप गेमिंग करो बैठ के, तो आप चार्जिंग के साथ गेमिंग करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस और इंक्रीज होगी। इसमें आपको एक मैंने आपको बता ही दिया कि RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है, 1650 ग्राफिक कार्ड है Ryzen 5 के साथ, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें Ryzen 5 थर्ड जन का ही प्रोसेसर है, फोर्थ जन नवी नहीं है, फोर्थ जन Asus TUF A15 में आ गया है, क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया लैपटॉप लग रहा है मेरे को। टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है इसमें। इसकी प्राइसिंग है यार अभी तो 61 का ये चल रहा है, पर यार इसकी प्राइसिंग चेंज होती रहती है, मेरे दोस्त ने 50,000 का भी लिया हुआ सेल में, मैंने इसको 55 के अराउंड लिया था, 56 के अराउंड, तो यार मतलब कभी 58 का बिकता है, कभी 54, कभी 53, तो बहुत सारे इसके रेट्स वेरी करते हैं, तो यार आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जब भी आपको लेना हो। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको बता दूँ, लिंक आप जरूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन की, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो यार अब मैं बढ़ूंगा इनके कंपैरिजन की तरफ, जिसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे थे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे को। तो यार सबसे पहले मैं बढ़ूंगा कि किसको मतलब क्या डिफरेंसेज है इसमें। यार प्रोसेसर तो देखो सेम है, मैं आपको बताऊँ, मतलब i5 होएगा तो प्रोसेसर का थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस आने नहीं वाला। अगर आपके पास i5 वाला प्रोसेसर है तो यार 10% का डिफरेंस आएगा, 10% बेटर परफॉर्मेंस देगा i5 वाला, बस उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला आपको, क्लियर बताऊँ तो। तो यार मतलब स्क्रीन क्वालिटी स्क्रीन सेम है, प्लास्टिक बॉडी में ही आता है ये, ग्राफिक कार्ड सेम है, प्रोसेसर भी मैं सेम ही मान रहा हूँ इसका। इसकी यार डिफरेंस है कि इसमें बैटरी बैकअप में, उसकी 4 सेल बैटरी है Acer Nitro 5 की, इसकी यहाँ पे आपको सिर्फ 3 सेल बैटरी देखने को मिलती है। तो आपको यार मतलब आधा घंटे से एक घंटे का डिफरेंस मिल सकता है बैटरी बैकअप में, क्योंकि उसकी 4 सेल बैटरी है, इसकी 3 सेल बैटरी है। इसमें आप और उसमें आपको सिर्फ एक कलर वाला कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ रेड कलर जलेगी उसमें लाइट। इसमें आपको यार यहाँ पे RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है, आप अपने हिसाब से TUF ऐप कोई आता है इसका,
मतलब लाइट चेंज करने वाला, वहां जाके आप चेंज कर सकते हो, मजे उठा सकते हैं यार। एसर नाइट्रो 5 में आपको 3 यूएसबी 3.0 के पोर्ट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज कर दी है एसर ने एसर नाइट्रो 5 के साथ। इसमें आपको सिर्फ 2 यूएसबी 3.0 पोर्ट मिलते हैं और एक आपको यूएसबी 2.0 पोर्ट मिलता है, जो अगर एसर नाइट्रो 5 है उसमें भी आपको सिर्फ 2.0 पोर्ट सिर्फ एक ही देखने को मिलता है। तो यार ये सब थोड़े डिफरेंसेस थे। अब मैं बोलूँगा यार कौन से लोगों को कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आपको एसर नाइट्रो 5 किसको लेना चाहिए, अगर आपको बेटर बैटरी चाहिए, थोड़ी सी बेटर बैटरी चाहिए, अगर आपको टाइप सी पोर्ट चाहिए, अगर आपको यूएसबी 3.0 3 पोर्ट्स चाहिए, और आपको मतलब थोड़ा सा क्लीन लुकिंग लैपटॉप चाहिए, गेमिंग लैपटॉप भी होना चाहिए पर थोड़ा सा क्लीन लुकिंग हो, ज़्यादा मतलब वो डिफरेंसेस ना हो, ऊपर ज़्यादा इधर उधर क्रॉस वॉस ना हो, तो आप जरूर एसर नाइट्रो 5 की तरफ जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है मेरे हिसाब से। और अगर आपको RGB कीबोर्ड चाहिए और अगर आपको थोड़ी गेमिंग लुक ज़्यादा चाहिए लैपटॉप में, ऊपर इसके क्रॉस वॉस बने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा गेमिंग लुक एक्स्ट्रा देते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास 2 यूएसबी 3.0 पोर्ट हो, और अगर आपके पास टाइप सी पोर्ट ना भी हो तो, और आपको थोड़ा सा सस्ता लैपटॉप भी चाहिए, क्योंकि यार जैसे मैंने बताया मेरे दोस्त ने 50,000 का लिया था, तो कभी 52, 53, 54 का भी मिलता है, तो यार प्राइस डिफरेंस है थोड़ा, मतलब ये भी सस्ता आपको मिल सकता है एसर नाइट्रो 5 से। तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए तब ASUS तब FX505DT की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही बहुत ही बढ़िया लैपटॉप्स हैं, दोनों में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।